बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस के किए गए उत्पीड़न को याद कर हमला किया। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में अपने काम का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि 12 साल तक कांग्रेस ने उन्हें सताया था। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो 12 साल तक लगातार कांग्रेस ने और उसके साथियों ने और उसके इशारे पर चलने वाली सिस्टम ने, उनके रिमोट से चलने वाले नेताओं और अफसरों ने, उनकी पूरी सल्तनत ने हर तरीके से मुझे परेशान करने का काम किया, एक मौका नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने कांग्रेस की ओर से ढाए गए एक एक जुल्म की कहानी बीजेपी नेताओं को बताई। उनकी एक भी एजेंसी ऐसी नहीं थी जिसने मुझे सताया न हो। और तो और, 2007 में कांग्रेस के एक बड़े नेता मंत्री थे यहां, और वो अपने आप को बड़ा विद्वान मानते थे। वो मंत्री जी खुद गुजरात आए और उन्होंने चुनाव सभा में दावा किया था कि मोदी कुछ महीने के भीतर जेल चला जाएगा। पीएम मोदी ने इशारों में विपक्षी गठबंधन को चेतावनी भी दी। इनकी पोल खुल रही है तो ये गाली गलौज पर उतर आए हैं, अपने इकोसिस्टम की मदद से साजिशों पर उतर आए हैं। ये चाहे जितना गाली दें, झूठ बोले, चौकीदार रुकने वाला नहीं, चौकीदार रुकने वाला नहीं है। अभी तो ये शुरुआत हुई है।